नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। अक्सर महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जल्द से जल्द होना चाहती हैं और हर महीने आप ट्राई भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती है कि ट्राई करने के बाद आप प्रेग्नेंट हुई भी हैं या नहीं। तो आपको ऐसी कंडीशन में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं एग्जैक्ट आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करने का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, एक ऐसा उपाय जो प्रेग्नेंट होते ही आपके शरीर में दिखाई देता है और ये 100% आपकी प्रेग्नेंट होने की जो संभावना है उसको दर्शाता है। तो आप जब भी ऐसा फील करें जो मैं आगे बताने वाली हूँ, तो आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और ये एक सटीक जानकारी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप बहुत ही जल्दी ये समझ पाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही एक महिला कंसीव कर लेती है तो सबसे पहला चेंजेस जो है आता है उनके यूट्रस के अंदर, जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है। जैसे ही बेबी इम्प्लांट होता है वैसे ही कई सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में महिला का डिस्चार्ज होना बहुत ही कॉमन है। एक इस प्रकार का पदार्थ आपके निचले अंगों से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, जो मैं यहाँ पर पिक में बता रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। क्योंकि ये दूधिया तरीके का जो डिस्चार्ज होता है और दूधिया तरीके का और बिल्कुल आपको जो पिक में बताया गया है ऐसा होता है, और ये आपको जब आपने ट्राई किया है उसके 1 वीक के बाद से ही दिखाई देने लग रहा है, तो ये डिस्चार्ज 100% आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। अब फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या कारण है कि इस प्रकार का डिस्चार्ज प्रेग्नेंट महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और वो भी आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी आपके जब प्रेग्नेंट होती हैं उनके 3 महीनों के अंदर ये डिस्चार्ज काफ़ी हेवी होता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जब आपके शरीर के अंदर एक बच्चे का निर्माण होता है, यूट्रस के अंदर बेबी इम्प्लांट हो जाता है, तो बेबी की प्रोटेक्शन के लिए शरीर ऐसे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपको वॉइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये क्रीमी वॉइड डिस्चार्ज जो है आपकी बेबी को किसी भी बाहरी संक्रमण से बचाने के लिए होता है। तो ऐसा डिस्चार्ज हो तो बिल्कुल भी आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप समझ सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। साथ ही साथ जब आपको इस प्रकार का डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट भी महसूस हो सकती है, आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डबल तेज़ी से होने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक भ्रूण को विकसित करने के लिए शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसी के विपरीत कई सारी महिलाएं जब ऐसा डिस्चार्ज होता है तो प्रेग्नेंट होने की संभावनाओं को बिल्कुल 100% सही मान लेती हैं। सो एक कंडीशन में आपको इस डिस्चार्ज को काफ़ी बारीकी से देखना होगा। जब इस प्रकार का क्रीमी डिस्चार्ज होता है और ये फटे फटे पनीर के टुकड़ों के जैसा दिखाई देता है, तो ये किसी भी प्रकार का वजाइनल इन्फेक्शन को दर्शाता है। वजाइनल इन्फेक्शन बहुत सारे बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, और ऐसे कंडीशन में भी कुछ सिमिलर डिस्चार्ज महिलाओं के निचले अंग से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको फटाफटा हुआ पनीर के जैसा डिस्चार्ज हो रहा है तो ये प्रेग्नेंट होने का लक्षण नहीं है। इस कंडीशन में महिला को बहुत तेज़ बुखार भी हो जाता है क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो आपको मैंने ये इसलिए बताया कि प्रेग्नेंट होने के बाद जो डिस्चार्ज आपके निचले भाग से निकलता है वो किस प्रकार का होता है, और इसी के सिमिलर जो डिस्चार्ज होता है जो प्रेग्नेंसी नहीं होती है तभी भी निकलता है, जिससे महिलाएं प्रेग्नेंट होने का सिंबल समझ लेती हैं, तो इसमें आप डिफरेंस कर पाएं अच्छे तरीके से। और भी इसके साथ बहुत सारे महिलाओं को उल्टी की समस्या, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, सांस लेने में परेशानी, दम फूलने की समस्या होती है, पेट में क्रैम्प्स होने लगते हैं, और आपको तरह तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की किसी भी तरीके की परेशानी फेस
कर रहे हो तो आप एक अनुमान हद तक लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अगर आप बहुत सारी अपनी प्रेगनेंसी सिम्टम्स को समझना चाहते हैं जो अक्सर महिलाओं में दिखाई देता है अर्लियर प्रेगनेंसी सिम्टम्स में, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में ऐसी बहुत सारी आपको वीडियोज़ मेरी मिल जाएंगी। सो उसे वॉच करना, देखना और समझना और सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द कंफर्म करने के लिए, आप प्रेग्नेंट बनने के लिए ऐसे बहुत सारे घरेलू उपाय मैं बता चुकी हूँ। ओवुलेशन ट्रैक नहीं हो रहा है तो उसके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ में मिल जाएंगे। फ्रिक्वेंटली आप बहुत सारे वीडियोज़ को देख करके अपने प्रेग्नेंट होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी आप फ्रिक्वेंटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी हमारे चैनल पर बने रहे और भी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार।